press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो सशक्त बहादुर और शिक्षित महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अदिति त्यागी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लायक खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ स्क्रीन पर आपको नाजिया इलाही खान दिखाई दे रही है। आप जानते हैं बहुत ही मुखर आवाज है नाजिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज आपको जो बुलाया है वो इस सवाल का जवाब लेने के लिए बुलाया है कि मैं लगातार देख और सुन रही हूँ कि ये कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो बीजेपी को वोट नहीं करता। आज आप जानती हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, और मैंने एक वीडियो भी किया था नाजिया, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में भी किया था जम्मू में, जिसमें जो लोकल कश्मीरीज हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से अलग अलग योजनाओं का फायदा हुआ है। लेकिन जैसा कि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, जैसा कि रिजल्ट्स में देखने को मिला, वैली में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, जिसके बाद, या मुझे कहना चाहिए एग्जिट पोल के बाद से लगातार ये डिस्कशन शुरू हो गया कि आप कितना भी मुसलमानों के लिए कर लीजिए वो वोट नहीं देता। तो बीजेपी को क्या आपको सीरियसली लगता है कि मुसलमान वोट नहीं करता, और अगर नहीं करता है तो वजह क्या आपको दिखाई दे? बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी कि आपने मुझे इन्वाइट किया, और बहुत ही प्रखर होकर के मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहूंगी, क्योंकि जो बात मैं पिछले 7 साल से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ शायद आज वो लोग समझ पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता था कि वैली में उनका खाता नहीं खुलेगा, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम लेकर के चलता है, और लोकतंत्र का एक बैरिकेड होता है जिसको उन्होंने पूर्ण तरीके से निभाया है, अच्छे तरीके से निभाया है। और आपने जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करता, हाँ नहीं करता। हमारे देश में लगभग 15 करोड़ की आबादी जो है वो मुसलमानों की है, और जिसमें 72 फिरका है और 58 कास्ट है। 72 फिरका भी है, 58 कास्ट भी है, और हर कोई एक दूसरे को मारने काटने को तैयार है। आप देखिएगा, शिया सुन्नी को पसंद नहीं करते, सुन्नी वहाबी को पसंद नहीं करते, वहाबी जो है वो बरेलवी को पसंद नहीं करते, बरेलवी बोरी को पसंद नहीं करते, बोरी जो है वो 76 नंबर को पसंद नहीं करते, 76 नंबर 72 नंबर को पसंद नहीं करते। अब इसके बाद अगर आप कास्ट में आएंगी तो अंसारी खान को पसंद नहीं करता, खान पठान को पसंद नहीं करता, पठान शेख सिद्दीकी को पसंद नहीं करता, सैयद किसी को पसंद नहीं करता। तो उसी तरीके से सुन्नी जो सुन्नत रसूल पर चलते हैं वो किसी भी 71 फिरके को बिल्कुल भी अपने बराबर का नहीं समझते हैं। बस ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग खाड़ी में या जम्मू कश्मीर में समझा नहीं पाए। हालांकि कांग्रेस का जो आंकड़ा निकल करके आया है वो बहुत बुरा निकल करके आया है, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने समझा है कि 370 जो है वो उनके लिए ठीक नहीं है और नहीं आना चाहिए दोबारा, ये जम्मू एंड कश्मीर ने समझा है। लेकिन जो अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि इजी मनी इनकम जो मुसलमानों का था जम्मू एंड कश्मीर में, वो तो प्रॉब्लम में आ ही चुका था, बिल्कुल प्रॉब्लम में आ चुका था। आज अगर पूरे अल कुरान के हिसाब से मजार परस्ती जो है वो गुनाह है, ठीक है। अब हम एक योजना लेकर आते हैं या हमारे जैसे लोग अगर पार्लियामेंट में जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई कुरान में तो मजार परस्ती गुना है, इसको तो तोड़वा देना चाहिए, तो आप समझिए कि तकरीबन 1.5 करोड़ मुफ्ती मुजाबिर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो डिग्रीज नहीं है, उनके पास तो शिक्षा नहीं है, उनका तो चादर और लुकुमदाने से और नान खटाई से और इन्हीं चीजों से और खून से ही और अगरबत्ती से ही इनका घर चल रहा है। आप अजमेर शरीफ जाइए, आपको दिखेगा कि जो मुजाबिर लोग हैं अजमेर शरीफ के, उनके पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं, तो क्या डिग्री से आ रही है? वो क्या इंजीनियर डॉक्टर और वकील बन करके वो ये मर्सिडीज गाड़ियां खरीद रहे? नहीं, मुजाबिर के पैसे से आ रहा है। आपका ही एक आपने एक इंटरव्यू किया था और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चला था कि खुद एक मुसलमान बैठ करके
ये बात उसने बताया था कि पत्थर मारने का 1,000 रुपए मिलता था और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चला था। और गल्फ के एक यूट्यूबर के साथ जब मैं बैठी थी तो वो गल्फ के यूट्यूबर ने आपके बारे में रेफरेंस बताया था मुझे। अब सोचिए कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को जिन जिन लोगों ने जा करके वहां पर कवर किया है, खुद मुसलमान कह रहे थे मंदिर बनने नहीं देंगे हम तोड़ देंगे, खुद मुसलमान खुद से एक्सेप्ट कर रहे थे। तो मुसलमान जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसे मुसलमान है जो संविधानिक मुसलमान है, जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला करके जैसे देश तरक्की कर रहा है वैसे हम भी तरक्की करें। लेकिन जो ज्यादा जो मेजोरिटी है उन मुसलमानों की है जो शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं, जो हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं, जो एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, जो शिक्षित हो करके अपने आप को किसी मुकाम पर नहीं पहुंचाना चाहते हैं, पत्थर मार करके वो इनकम करना चाहते हैं, मजार परस्ती करके इनकम करना चाहते हैं, बम गोली बारूद से इनकम करना चाहते हैं, नसरुल्ला हिजबुल्ला को अपना लीडर बना करके इनकम करना चाहते हैं और देश में एक ऐसा आतंक फैला करके डरावना और भयभीत माहौल क्रिएट करके रखना चाहते हैं जिससे उनकी डिक्टेटरशिप भी चलती रहे हमेशा। अब आप सोचिए कि अल कुरान के हिसाब से, जो हमारा अल कुरान है उसके हिसाब से जो पत्थरबाज होता है उसको अरबी में ताइफ कहा जाता है। ताइफ, ताइफ का अर्थ निकलता है कि फिरौन से भी बुरा। और हमारा अल कुरान की कई आयतों ने इस बारे में जिक्र किया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोगों ने पत्थर मारा था उसको ताइफ बोला गया था। तो ये पत्थरबाज कौन है? ये मुसलमान तो नहीं है, ये तो मुसलमान नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने पत्थर खाए थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी पत्थर मारे नहीं थे। प्रॉफिट मोहम्मद ने महिलाओं का रिस्पेक्ट किया था, उन्होंने अपनी बेटियों के लिए अपनी पगड़ियां बिछाई थी, मदरसे और मजार के अंदर रेप हुआ नहीं था। तो ये कहां से आ रहा है? ये अवेसी जैसे हैं, अब्दुल्ला परिवार जैसे लोग हैं, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग हैं, मुफ्ती परिवार जैसे लोग हैं जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से फंडिंग लेकर के और मुसलमानों को टेररिज्म की तरफ बढ़ा करके अपनी सत्ता का कारोबार चलाते रहना चाहते हैं। और क्योंकि मुसलमानों को लत लगी हुई है कि वो इजी मनी इनकम करे और क्योंकि उनके ब्लड में है डिक्टेटरशिप करना, चाहे वो घर के अंदर रहेंगे तो महिलाओं पे डिक्टेटरशिप करेंगे, अपने आसपास पड़ोस में रहेंगे तो पड़ोसियों पर डिक्टेटरशिप करेंगे, किसी स्टेट में रहेंगे तो वहां डिक्टेटरशिप करने की कोशिश करेंगे, किसी देश में इस्लामिक कंट्री में रहेंगे तो वहां डिक्टेटरशिप करने की कोशिश करेंगे। तो वो डिक्टेटरशिप का एक नशा है, तो भयभीत माहौल बना करके वो नशा वो पूरा करते हैं। अभी आप जो बात करेंगे ना कि कुछ लोग चाहते नहीं है, कुछ लोग इस्तेमाल करना चाहते, तो दरअसल एक छोटा सा मच्छर है वो लगातार मेरे इर्द गिर्द, क्योंकि लाइट्स जली हुई है तो इसलिए वो मच्छर जो है वो उस लाइट के इर्द गिर्द लगातार मंडरा रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है जो वोट का टाइम आता है तो इस तरह के जो मच्छर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वोट दिखाई देता है ना तो वो वोट पर एक्टिवेट हो गए। अब मैं आपसे जो जानना और समझना चाह रही हूँ कि एक पार्ट हुआ कि भाई राजनीति में मुसलमानों का इस्तेमाल, ये एक बहुत लंबी सीरीज है और इससे तो शायद मुसलमान भी इनकार नहीं करेगा कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। लेकिन खास तौर पर जब बात आती है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की, तो उनकी दलील ये रहती है कि भाई हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, वो ये दलील देते हैं, हम कहते हैं सबका विकास। तो यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे मैं जम्मू कश्मीर में थी 3 हफ्ते से ज्यादा, मैंने करीब 2,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया जम्मू कश्मीर में, तो मैंने देखा आप जाके पूछिए किसान सम्मान निधि ली हाँ ली, पेंशन ली हाँ ली, सिलेंडर लिया हाँ लिया, आयुष्मान कार्ड जिसे वो गोल्डन कार्ड कहते हैं वो लिया हाँ लिया, फिर दिक्कत क्या आ जाती है? नाजिया दिक्कत कहाँ आ जाती है, मैं वही पूछ रही हूँ। देखिए बहुत ब्लंट वे में मैं बताऊंगी कि मुसलमानों के पास जो है एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है, हमारे और आपके वॉलेट में डेबिट कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड होता है, पर मुसलमानों के वॉलेट में एक विक्टिम कार्ड होता है जो वो हमेशा जहां जहां पर जरूरत होती है वहां वहां पर वो उसको फेंकते भी रहते हैं और उसको वो खेलते भी रहते हैं।
ये बात पिछले 77 साल से मुसलमानों को पता है भारत में कि उनको कांग्रेस ने वोट बैंक के हिसाब से हमेशा मिसयूज किया है। एक वक्त था जब इमाम बुखारी साहब कांग्रेस के साथ जीप में बैठ करके कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस के लिए वोट मांगा करते थे। एक वक्त था कि जैसे ही इवन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप देखिएगा कि एक हैंडबिल निकला था दारुल उलूम से, दियोबंद से, अलग अलग मदरसों और मस्जिदों से कि भाजपा को हराने के लिए हम लोग सबको कांग्रेस को समर्थन देना पड़ेगा। अब ये जानना जरूरी है कि भाजपा को हराना क्यों। आसाम में हेमंता बिस्वा सरमा मजार तोड़ करके वो स्कूल बनाना चाहते। योगी आदित्यनाथ रेप कोई भी करे, हिंदू करे, यादव करे, ब्राह्मण करे, मुसलमान करे, भाई मीडिया के सामने भी लाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे और एक बात भी कहेंगे कि इस चौराहे पर बेटी को छेड़ोगे वहां यमराज खड़ा होगा। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं हम राजस्थान। राजस्थान में भी जिस हिसाब से नकाब को लेकर के जो इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, उसके बाद जाली आधार कार्ड को लेकर के जो घोटाला चल रहा था, सारी चीजें जो सामने आती जा रही हैं, इससे मुसलमान जो है वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में सतर्क करवाया गया उनको कि देखो अब भाजपा की यहाँ पर सरकार बन जाती है और भाजपा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो घाटियों में और वैलियों में बैठ करके भी तुम पाकिस्तान का काम नहीं कर पाओगे। तुम घाटियों और वैलियों में बैठ करके भी तुम पाकिस्तान से ड्रग्स कोकीन जो है वो तुम नहीं यहाँ पर फैला पाओगे। मैं आपको एक आंकड़ा और बताती हूँ। कश्मीर में बहुत सारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, उन्होंने पूरे आंकड़े मुझे दिए हैं कि कश्मीर की मुसलमान बेटियां जो है वो महाराष्ट्र के हिंदू लड़के से शादी कर रही हैं, दिल्ली के हिंदू लड़के से शादी कर रही हैं, गुजरात के हिंदू लड़के से शादी कर रही हैं। और जब मैंने उन बच्चियों से बात किया है कि तुमने क्यों किया है तो उन्होंने एक भारी मेजोरिटी ने मुझे बताया है कि वहां पर मुस्लिम लड़के बेसाख्ता ड्रग्स और कोकीन का नशा करते हैं, उसके बाद फिर वो कभी भी किसी भी वक्त तलाक दे देते हैं, उसके बाद फिर जहेज इतना ज्यादा मांगते हैं कि हमारे लिए और हमारे माँ बाप के लिए वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसकी मैं आपको और भी एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दे देती हूँ। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में राहुल गांधी जी जाकर के एक विला में ठहरे हुए थे और उस विला के गार्डन में उन्होंने कुछ बच्चियों के साथ बैठ करके एक कॉन्वर्सेशन, एक कन्फ्रंटेशन, एक डिस्कशन किया था जिसमें एक नकाब वाली बच्ची ने राहुल गांधी जी से पूछा था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा करके टाला और रिवर्स वाइस वर्सा कर दिया कि आप शादी कब कर रही हैं। तो उस नकाब वाली बच्ची ने कहा था कि तलाक इतना ज्यादा होता है ना यहाँ पर कि शादी करने की हिम्मत नहीं होती है। तो मुसलमान निकाब वाली बच्चियों ने भी जोरदार तमाचा राहुल गांधी के मुंह पर दे डाला था और जिसका रिपार्केशन आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को वहां पर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक बना बनाया स्ट्रेटेजी और एक बना बनाया जो खुफिया जो वोट बैंक है वो फारूक अब्दुल्ला के पास था, एक बार में नहीं टूटेगा, दूसरी बार इलेक्शन होगा आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ड्यूरिंग द इलेक्शन क्या जरूरत थी फारूक अब्दुल्ला को, यासीन मलिक को याद करने की, अफजल गुरु को याद करने की? वो एक्चुअली में लोग जो है ना वो मिसगाइड हुए, वो सोचे कि यासीन मलिक को याद कर रहा है, अफजल गुरु को याद कर रहा है। नहीं, खाड़ियों में और वैलियों में जो आतंकवादी लोग बैठे हुए थे वो उनको खुश कर रहा था कि देखो हम अभी भी उसके लिए बिल्कुल चिंतित हैं और तुम मुझे जिताओगे एक भयभीत माहौल बना करके तो हम जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और इस हिसाब से जो खाड़ियों में और जो चट्टानों में और जो बॉर्डर्स पर जो पाकिस्तान के जो घुसपैठिया जो कंटिन्यूअसली अरेस्ट भी हो रहे थे, कंटिन्यूअसली वो पकड़े भी जा रहे थे हमारी आर्मी की के एफर्ट की तरफ से, लेकिन एक मैसेज वो कंटिन्यू पहुंचा रहे थे। इस दौरान में जितने भी पाकिस्तान चैनल पर जितनी बार भी मैं बैठी हूँ, पाकिस्तान में जितने भी पीएमएल के जो विधायक थे या और पार्टियों के जो विधायक थे वो फारूक अब्दुल्ला का प्रचार कर रहे थे खुले तरीके से। महबूबा मुफ्ती का प्रचार नहीं किया उन्होंने, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का प्रचार उन्होंने किया है। क्योंकि हम कैसे भूल सकते हैं कि जब हमारे एयरफोर्स को मारा जाता था तो फारूक अब्दुल्ला
जश्न मनाया करते थे, गोल्फ खेला करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान जो है वो योजना लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। और हमारे देश की तो ये नीति रही है कि नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर्स जो है वो बांग्लादेश और रोहिंग्या से आ जाते हैं, पाकिस्तान से आ जाते हैं, और सब्सिडी हम जैसे लोग उठाते हैं और टैक्स आप जैसे लोग भरते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये तो कोई नया नहीं है, लेकिन इसको खत्म होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। और मुसलमान, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी साफ लफ्जों में कहा था कि जीरो टॉलरेंस, हम टेररिज्म और टेररिस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द सेकेंड थिंग इज के मुसलमानों को एक संवाद बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी बार बार जब भी इलेक्शन कंपेनिंग में जा रहे थे वो यही कह रहे थे कि हम टेररिस्ट को यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो जो ऑलरेडी छुपे हुए थे उनके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी फारूक अब्दुल्ला को जिताने की, और जो उन्होंने जितवाया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अदिति त्यागी जी और नाज़िया लाई खान जी का ये पूरा दमदार डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खासकर जैसे कि भारत की बेटी नाज़िया खान जी ने आपको समझाया कि क्यों मुसलमान न कभी बीजेपी और मोदी को वोट डालेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।